हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेन सिंह है। आज के इस लिनक्स के वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हैं, मतलब जिसको हम सिस्टम ऑपरेशनल बोल सकते हैं, कि विद द हेल्प ऑफ हम लोग GUI भी कैसे ऑफ करते हैं और विद द हेल्प ऑफ हम लोग कमांड लाइन के थ्रू भी कैसे करते हैं अगर हम लोग टर्मिनल पर है। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे लिनक्स के वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो कहीं सबसे पहले आप अगर देखते हैं कि अब सिस्टम ऑपरेशन के बारे में, तो अगर हमें अपनी मशीन को लॉक करना है, मतलब अगर मेरी मशीन रनिंग है, अभी जैसे रनिंग है, अगर मैं उसे लॉक करना है तो बस आप सुपर की प्लस एल दबा सकते हो। सुपर की यहाँ पर विंडो की कहलाएगी। जैसे हम विंडो की प्लस एल दबाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो ऐसे ही अब आप यहाँ पर भी आप सुपर की प्लस एल प्रेस कर सकते हो, जिससे आपकी मशीन को आप लॉगआउट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप चाहते हो तो आपके पास विंडोज़ के ऊपर, अगर आप लिनक्स में जाओगे इधर तो लिनक्स की मशीन के ऊपर, तो वहाँ पर एक पावर बटन होती है, वहाँ पे आप जाके लॉक बटन दबा सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे। ऐसे अगर आपको लॉगआउट करने का है तो आप टॉप बार में जाके क्लिक ऑफ द पावर ऑफ में जाके आप लॉगआउट कर सकते हैं। टर्मिनल पर है तो आप जीनोम सेशन क्विट कर सकते हैं, जिससे आपका सेशन, जो करंट सेशन चल रहा है, वो बंद हो जाएगा। अगर आपको मशीन को रिबूट करने का है, मतलब रिस्टार्ट करने का है आपको मशीन, तो सेम आप टर्मिनल पे, मतलब अपने लेफ्ट हैंड, जो आपका राइट हैंड कॉर्नर अपर साइड होता है, वहाँ पर आप जाके पावर बटन सेलेक्ट करके आप रिबूट में जा सकते हैं, या आप टर्मिनल में रिबूट लिख दीजिए तो आपका मशीन रिस्टार्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आपको पावर ऑफ करने का है, मतलब मशीन को शट डाउन करना है, तो सेम चीज़ आप प्रेस ऑल कंट्रोल डिलीट भी प्रेस करके आप कर सकते हो, या तो फिर आप कोई राइट हैंड साइड में पावर ऑफ की बटन है वहाँ क्लिक करके आप जाके शट डाउन कर दीजिए, या तो फिर मशीन को आप टर्मिनल में जाके आप उसको शट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अपने लिनक्स की मशीन पे देख लेते हैं। तो ये मेरी लिनक्स की मशीन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मुझे इसे बंद करना, तो ग्राफिकली आपके पास जाने के पास राइट हैंड साइड में आपके पास टॉप कॉर्नर पर पावर की बटन होती है। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे साउंड के बाद में, तो ये पावर बटन है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अगर आप चेक करोगे तो ये आपका पावर बटन है। आप इसे क्लिक करिए तो आपके पास यहाँ पर दो तीन चीज़ दोनों आती है। एक तो आप रिस्टार्ट कर सकते हो, या तो इसको पावर ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप, मैं यहीं पर छोड़ दूँ एक बार, तो 60 सेकंड में ऑटोमेटिकली पावर रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर मुझे अभी रिस्टार्ट कर रहा हूँ मशीन को, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। नाउ योर मशीन विल गोइंग टू रिस्टार्ट, नाउ हैव टू वेट और अगेन स्टार्ट योर मशीन। नाउ लॉगिन कर लेते हैं हम लोग अपनी मशीन पर। जैसे अभी हमने यहाँ पर इसे रिस्टार्ट करके बताया, तो सेम चीज़ हम लोग टर्मिनल पे भी कर सकते हैं। तो मेरा टर्मिनल एक बार ओपन हो जाने दीजिए, फिर हम करते हैं। तो मैं एक्टिविटीज़ में गए, टर्मिनल ओपन हुआ। तो गाइज, अगर मैं इधर जाना चाहूँ तो मैं इधर सिंपल सेल लिख सकता हूँ। जैसे अगर मुझे अभी सेशन चल रहा है, मुझे इसे लॉगआउट करने का है, तो मैं यहाँ पर जीनोम सेशन क्विट लिख सकता हूँ। देखिए, जैसे ये लॉगआउट हो रहा है, मैं यहाँ पर लॉगआउट कर दूँगा, तो ये मशीन आपकी लॉगआउट हो गई। तो आप इस तरीके से अपना सेशन को लॉगआउट भी कर सकते हैं। वापस से लॉगिन कर लेते हैं। ऐसे वापस हम अपने एक्टिविटीज़ में चलते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। अगर आपको मशीन को यहाँ पर से रिस्टार्ट करना है, तो आप, मैंने बताया था कि आप यहाँ पर पावर बटन में जाके रिस्टार्ट, जब भी हमने देख चुके हैं, तो कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ से आपको लिखना है, तो आप यहाँ को सिंपली आपको लिखना है रिबूट, मतलब अगर टर्मिनल में जाके लिखना तो आप रिबूट लिख दीजिए, तो आप, ये आपकी मशीन यहाँ से भी रिस्टार्ट हो जाती है। तो फिर अगेन वी हैव टू वेट कि मशीन चालू हो जाए। तो हम लॉगिन कर लेते हैं और वापस से रूट पे चलते हैं। 123 जो पासवर्ड डाल दिए। आफ्टर एंटरिंग द पासवर्ड, फिर हम लोग अब इस बार देखते हैं कि शट डाउन कैसे करते हैं। तो हमारे एक्टिविटीज में हम टर्मिनल में चलते हैं अपने वापस से। जूम करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन सिंबल का यूज़ कर लीजिएगा, तो आप उसको जूम कर सकते हैं।
यहाँ अगर मैं पावर बटन दबा के इसको मैं शट डाउन पावर ऑफ बोल दूंगा तो मशीन शट डाउन हो जाएगी आपकी। और यहाँ भी आपने लिखा तो आप यहाँ पर सिंपली तो ये आपको शेड्यूल करना पड़ेगा कितनी देर पे। तो हम लोग अगर इसको बंद करने का है तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी जाके पावर ऑफ का बटन देके इसको शट डाउन कर सकते हैं। सो गाइज ये जो मेथड था मतलब हम लोग जो अभी पढ़े थे ये बेसिक मेथड है कि आप मशीन को कैसे रिस्टार्ट और शट डाउन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर लीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू।